जब उसे हम आपको दिन में बात करने लगा कि तब वो आप उनसे बहुत प्रेम करते थे तब तो ये आपकी इच्छा या आपका अनुभव था कि इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। थैंक यू प्रभु, आपके हर एक बात को प्रभु हम समर्पित कर रहे हैं। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, सब कुछ प्रभु मसीह में इस वक्त हम निर्भर महसूस कर रहे हैं। प्रभु मसीह आपका सामर्थ्य हमारे निर्भरताओं में स्थित होता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि प्रभु आपने हमें एक बार एक चित कि प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम करने पाए। प्रभु आपने हमें अपनी आत्मा से भरा पैदा कर कि प्रभु अपने जीवन से प्रभु हमें गीतों के द्वारा प्रभु अपने सेवा के द्वारा प्रभु हम आपको प्रेम करने पाए, प्रभु आपकी महिमा करने पाए। यस लॉर्ड प्रभु, हम अपने आप को आज अपनी महिमा के लिए वो देते हैं पैदा करने पाए। प्रभु आज हम अपने आप को आपकी महिमा के लिए वो देते हैं, आपको सचमुच प्रभु चाहते पैदा कि जब हम अपनी आराधना के अंदर प्रभु आज सचमुच प्रभु विश्व हम आपकी आत्मा प्रभु हर एक शब्द जीवन में प्रभु प्रकट करते प्रभु सचमुच चाहते कि प्रभु स्वर्ग आज आपकी महिमा के लिए बड़ा है। प्रभु आपकी आत्मा से भर के जो इन सच्चाई से प्रभु हम आपकी आराधना हम आज के दिन को विश्व के नाम से ब्लेस करें, हम इस मीटिंग को विश्व के नाम से ब्लेस करें, हमारे बहनों को विश्व के नाम से ब्लेस करते हैं। और धन्यवाद कि प्रभु आप हमारे नियंत्रण में हैं, आप हमें गाइड कर रहे हैं, आप हमें लीड कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह जितने लोग आते हैं पैदा होने यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, जो बच्चे हमारे बीच में बोल रहे हैं हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, जो भी स्पिरिट है जो भी गेम है जो कुछ भी है पैदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं। प्रभु हर एक बात में प्रभु आपकी इच्छा प्रभु आपको महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं देता सोच हमारे विचार हर एक बातों में प्रभु हम आपको महिमा दे यीशु मसीह के नाम से। हे जीवित अनुग्रह प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजारों दिनों से उत्तम है। प्रभु हम आज के अद्भुत दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बताता है कि प्रति भोर तेरी करुणा नई होती जाती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हम जीवित पाए जाते हैं। ये आपका अद्भुत अनुग्रह है पिता, ये आपका अद्भुत प्रेम है मेरे स्वामी। आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस जगह पर आए, आप इस पृथ्वी पर आए ताकि हम अनंत जीवन पाए। आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए पिता हम जितना बोले जितना कहे प्रभु कम है, लेकिन हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए पिता, कि वे जहां कहीं भी है वे सुरक्षित और आज के दिन को देखने वाले होने पाते हैं। पिता आज हम इस विशेष दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम आपके आपके नाम के निमित्त इस भवन में आपकी आराधना के लिए जीवित पाए जाते हैं। आपके इस अद्भुत दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आराधना करने वाले हैं पिता, हम अपने पापों को, अपने दोषों को, अपराधों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे सोचने से, बोलने से, चलने से, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे बीते जीवन में प्रभु जिस रीति से प्रभु हमने आपको अंकित किया है, आज हम हर सब कुछ चीजों को पिता सरेंडर करते हैं पिता। आपके लहू में हम छिपा देते हैं मेरे पिता। हम जिन पापों से भागना चाहते हैं मेरे पिता, आज निश्चय हम उन पापों से छुटकारा पाने वाले होने पाएंगे पिता। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आराधना शुरू करने वाले पवित्र आत्मा, हम आपको इस जगह का कंट्रोल, इस जगह का नियंत्रण पिता हम आपको दे देते हैं। हम पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम वचनों को सुनते हैं पिता, हर बात में आप हमारे संग साथ हो लीजिए। यहाँ का पूरा नियंत्रण पिता हम अपने आप का नियंत्रण पिता आपको दे देते हैं। जब हम गीतों को गाएं सचमुच आपके
होने पर हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता हर बातों के लिए और पिता इस जगह का पूरा नियंत्रण फिर से माँ को दे देते हैं जो रास्ते में है उनके संग साथ प्रभु आप बोले ताकि वे सुरक्षित इस जगह तक पहुँचाए जाने पाए हर एक बातों का नियंत्रण पिता हम फिर से आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन तालियों का इस्तेमाल करेंगे Thank you.
खातिर की है और मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जो मैं जब पढ़ाई करती थी, अपने कॉलेज लाइफ में थी, जब अपने परिवार से मैं दूर थी, जब मैं हरियाणा में पढ़ाई करती थी, उस समय की ये गवाही है। उस समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम को किया और उस समय मैं ये सोचती थी, जब मुझे होली स्पिरिट का अभिषेक मिला था तब मुझे ये लगता था कि ये तो बस छोटा सा बात है और जो बड़े बड़े सेवक होते हैं वो बस बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं और उनके द्वारा ही परमेश्वर पिता अद्भुत कामों को करता है। मुझे पता नहीं था कि जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है वो सचमुच हमारे लिए, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अनमोल गिफ्ट होता है। लेकिन उस समय जब मैं अपने हॉस्टल में रहती थी, वहाँ सिर्फ हम चार थे जो मसीह को जानते थे और बाकी सारे लोग अन्य जाति के लोग थे। तो रात का समय था, लगभग 1-2 बज रहे थे। उस समय जो मेरा रूम था उसके बगल वाली रूम में एक मेरी क्लासमेट थी, तो उसे नींद नहीं आ रहा था। तो उनके जितने फ्रेंड्स थे, वो जो अपना जो जिस भी भगवान को मानते थे, तो उनके आराधना कर रहे थे वो लोग, तो खूब वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन भी वो सो नहीं पा रही थी। तब उनके पास ऐसा हुआ कि लास्ट ऑप्शन, कि जब भी उन्हें कुछ भी जरूरत होता था वो अपना पहले करते थे, उसके बाद वो लोग हम लोग को याद करते थे कि चलो हम लोग के लिए प्रेयर कर देना। पर ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग उनको मना करते थे, वो लोग हमें बोलते थे तो ठीक है हम लोग कर देंगे। तो उस समय ऐसा हुआ कि जब मैं सो रही थी तो मुझे उठाने आए, तो फिर मैं बोली ठीक है आती हूँ। तो फिर जब मैं उसके कमरे में गई तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही घबराई हुई थी, उसका आँख पूरा रेड हो चुका था। और वो जब हम तीन फ्रेंड वहाँ गए उसके कमरे में घुसे तो हमें बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। लेकिन ऐसा होता है वहाँ पे कि जब मैं उससे पूछी कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रहा, मुझे कोई लेने के लिए आ रहा है। और बोलती है कि एक लड़का है जो मुझे बुला रहा है और मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो उस समय मैं बोली कि ठीक है चलो हम लोग प्रेयर करते हैं, अपने मैं दोनों साथियों को बोली। तो मैं वहाँ पे फिर प्रेयर करने लगी, तो मुझे ये पता नहीं था कि परमेश्वर पिता वहाँ पे मेरे द्वारा इतना अद्भुत काम को कर रहा है। जब प्रेयर खत्म हुआ उसके बाद मैं बोली कि ठीक है अब तुम सो जाओ, तो वो बोली ठीक है मैं सो जाती हूँ। जब अगले दिन सुबह होता है तो मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती है, जब हम तीन गए हुए थे तो उसमें से एक बोलती है कि दीदी आप वहाँ कैसे खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ तो हम उस कमरे में घुस ही नहीं पा रहे थे। और वो उस समय जब प्रेयर स्टार्ट हुआ था तो वो उस कमरे से निकल गई, क्योंकि वो वहाँ पे खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। और मेरे साथ जो और एक थी वो बोलती है कि सुषमा आज पहली बार देखे कि तुम्हारे अंदर में परमेश्वर पिता इतना अद्भुत आशीष को दिया है, वो भी कि तुम किसी के जीवन से दुष्ट आत्मा को निकाल सकती है। और सचमुच जो मेरे साथ और फ्रेंड थी वो पास्टर की बेटी थी और वो मुझसे परमेश्वर को जानने, वचन को जानने में वो मुझसे काफी आगे थी। तो इसलिए मैं सोचती थी कि वो तो परमेश्वर के सेवक की बेटी है तो मेरे से ज्यादा काम कर सकती है। लेकिन मुझे उस दिन पता चला कि अगर हम परमेश्वर को अद्भुत रीति से जानते हैं, अगर हम उसको विश्वास करते हैं और अगर हम विश्वास के साथ किसी के लिए भी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी अद्भुत कामों को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से बड़े बड़े सेवकगण या फिर जो पास्टर है या उनके बच्चे हैं उन्हीं के द्वारा बस परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम गहराई से और आत्मिक रूप से और हम परमेश्वर को अपने जीवन में अगर पहला स्थान देते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ अगर हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सचमुच उसका आंसर बहुत ही अद्भुत रीति से देता है और वो हमारे लिए सचमुच एक बड़ी गवाही बनती है।
तो ये मेरे जीवन की अद्भुत गवाही थी। और उस समय से लेके अब तक ऐसा होता है कि जब भी मुझे कोई प्रेयर के लिए बोलता है तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ विश्वास के साथ, तो सचमुच एक अद्भुत रिजल्ट्स को परमेश्वर पिता देता है। सबको प्रेस द लॉर्ड। Yeah.
Thank you.
और अभी हम आप लोगों के बीच अपना गवाही बताने आए हैं कि परमेश्वर कैसे हमको मतलब अपनी बेटी बनाए। हम लोग स्पेशल है ना, वुमेंस लोग स्पेशल है कि नहीं? yes. है ना, ठीक है। जिस तरह से आप लोग स्पेशल है, उसी तरह परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया कि मैं भी उनके लिए बहुत स्पेशल हूँ। तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले हम अपने मेरा छोटा का पढ़ाई उड़ीसा में हुआ, उसके बाद हम फिर झारखंड में आ गए। तो झारखंड में मूरी कितने लोग जानते हैं? मूरी यहाँ से हाँ तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं। तो मूरी में रहते थे, वहाँ पे पापा का जॉब था तो वहीं पे थे। तो वहाँ पे पढ़ाई करते थे फिफ्थ क्लास से, वहीं फिफ्थ से टेंथ मेरा वहीं पे हुआ है। तो सब चीज़ ठीक था, जैसे बच्चे लोग रहते हैं फाइव क्लास के बच्चे लोग आराम से। इस क्रिश्चियन बैकग्राउंड ही है, ऐसे नहीं कि हम अदर बैकग्राउंड से आते हैं, मसीही परिवार से थे। लेकिन हम कभी भी परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते थे, परमेश्वर को ही एक्चुअल में हम नहीं पहचानते थे कि यीशु मसीह है कौन। आखिर वो हम चर्च जाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन बट ये यीशु मसीह है कौन, वो हम कभी मेरा व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानते थे। तो हम संडे स्कूल जाते थे, तो जब क्लास टेंथ की बात है, जब संडे स्कूल जाते थे, एक भैया थे वो कंडक्ट करते थे, तो ऐसे ही हमेशा संडे स्कूल जाते, उनसे एक्चुअली ना बहुत डरते थे भैया से कि नहीं जाएंगे तो हमको बहुत डांट मिलेगा या फिर हमको डांटेंगे करके। तो फिर वही डर से संडे स्कूल जाते थे, बट नहीं पता था कि वो डर से जो संडे स्कूल जाते थे उससे हम परमेश्वर को जान जाएंगे। इसीलिए आप लोग अपने हर एक बच्चे को, जिन लोग माँ लोग हैं, सबको ही भेजिएगा संडे स्कूल, छोड़िएगा मत। तो संडे स्कूल जाते थे तो वहाँ पे भैया बताते थे हम लोगों की क्या मतलब, छोटा छोटा गेम्स के साथ छोटा छोटा हम लोगों बताते थे स्टोरी बाइबल से। तो उसी तरह एक दिन परमेश्वर का प्रेम के बारे बताएं, तो उस दिन हम परमेश्वर को ग्रहण करने पाए। और हम जैसे ही परमेश्वर को बोले कि यीशु मसीह हम आपको अपने दिल में बुलाते हैं, तो मेरा दिल पूरा भर गया। और अभी तक याद है कि इतना मतलब आंसू अपने आप निकलने लग गया था, इतना रो रहे थे कि पहले मतलब ऐसा प्यार कभी फील ही नहीं किए थे। कभी मेरा जो लाइफ में जिस चीज़ का कमी था वो चीज़ परमेश्वर तुरंत एकदम से भर दिए, तो वो चीज़ एक अलग सा फीलिंग था, वो हम बता भी नहीं सकते। तो परमेश्वर को उस दिन हम ग्रहण किए। और बीइंग ए गर्ल, जब लड़की होने के से बहुत बार छोटे में ऐसे लगता था मेरे को कि काश हम लड़का होते तो हम लंबे भी है, तो मेरे को लगता था कि हमको लड़का होना चाहिए था। तो बहुत बार लगता था कि लड़का होता है आराम से, लड़का लोग के जैसे रहते हैं। मेरे दोस्त लोग भी लड़के लोग काफ़ी सारे थे, तो फिर लगता था कि अरे यही लोग के जैसे रहते तो और मस्त बिंदास रहता, मस्ती भी करते। लड़का लोग का तो सब चीज़ अलाव है, लड़के लोग का ही रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो ऐसे ऐसे ख्याल आता था। और फिर जैसे वर्ल्ड के नज़र से देखते थे कि अरे जो लोग गोरी है, जो लोग भाई बहुत सुंदर है, अच्छा ड्रेसिंग करती है, सब चीज़ वही लोग मतलब सुंदर बोलते हैं। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं परमेश्वर हमको सुंदर नहीं बनाया है। लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण किए, परमेश्वर में बढ़ने लगे, तो परमेश्वर का वचन जब पढ़ने लगे तो इतना मतलब भर जाता था दिल की लगा। फिर परमेश्वर ने सिखाया कि हम तुमको अपना स्वरूप में बनाए हैं और तुम बहुत सुंदर हो। तो उस दिन फिर हम एक्सेप्ट कर ना पाए खुद को कि हाँ परमेश्वर आपने मेरे को बहुत सुंदर बनाया है। और बीइंग ए गर्ल कोई बुरा ये नहीं है, बहुत बार लगता था क्या ऐसे ही बना के भेज दिया क्या, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर हमको एज अ गर्ल बनाया। और आज हम आप लोग के सामने गवाही दे रहे हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरा लाइफ में बहुत सारा क्या स्ट्रगल आया, बहुत सारा चीज़ ऐसा आया कि ऊपर नीचे अपसाइड डाउन हुआ। बहुत बार आता है कि लाइफ में परिस्थिति ऐसा रहता है कि आपको कोई आशा नहीं रहता है, लेकिन हम उस संडे स्कूल और उस चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं जो हम क्लास टेंथ में प्रभु को ग्रहण किए थे। उसके बाद आज तक एक आशा है मेरा परमेश्वर। और हम महिला लोग को परमेश्वर सहायक करके बोला गया है, बाइबल में लिखा गया है कि हम लोग हेल्पर हैं। आप लोग बाइबल पढ़िएगा तो देखा जाएगा कि हम लोग सहायक हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को परमेश्वर एक बहुत बड़ा रोल दिया है, बहुत बड़ा कार्य दिया है कि हम लोग सहायक है। बहुत बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि खुद को नीचा देखते हैं कि नहीं हम लोग आदमी लोग के सामने बहुत नीचे है, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को एक सहायक दिया है। सहायक मतलब समझ रहे कितना बड़ा बात है कि हम लोग दूसरों को मदद कर रहे हैं। जब किसी का नीड है, जब किसी को ज़रूरत है, तो हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। अभी एक बहन आके बताई थी कि कोई रूम में प्रेयर करने बुलाया था तो वो प्रार्थना करने गई थी और अद्भुत कार्य हुआ था।
तो परमेश्वर हम लोग को सहायक बनाया है और परमेश्वर हम लोग को छोटी छोटी कार्य के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर हम लोगों को अपने बड़े बड़े कार्य के लिए चुना है ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। आप लोग जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, आप लोग प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को एनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए ताकि परमेश्वर में आप लोग बढ़ने पाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर अब खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ अब गर्ल है, कोई लड़का हो, मतलब लड़का होना चाहिए था, ऐसा थॉट नहीं आता है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर ने मुझे चुना है और आप लोग के सामने गवाही देने के लिए खड़ा किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अभी फिलहाल रांची में ही रहते हैं, जेम्सटाउन करके एक यूथ फेलोशिप है, वहाँ जाते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद। हमारी बहन आई हुई है वक्ता और वो हम सभी के सामने प्रभु के वचन को रखेंगे, उनको हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं। इस बहन को आप लोग पहचान रहे हैं, है ना? हम लोग के सामने बहुत बार वचन को बांटी है। सचमुच में इस बहन का नाम डैंसी डेनियल है और ये 2000 से परमेश्वर के काम को कर रही है और इनका यूथ मिनिस्ट्री चलता है ना? तो इस बहन के लिए जो कि आज अवचन जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है और वो परमेश्वर के वाणी के द्वारा बोलेंगी, तो परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद का एक बार जोर से ताली बजाएं। और अभी हम छोटा सा फूलों के द्वारा सिस्टर का स्वागत करेंगे। अभी हमारे सामने आएंगी प्रेमिका सिस्टर। ये फूल जो आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग वक्ता को क्यों फूल दे रहे हैं? इसलिए कि इस फूलों की तरह ये महकती रहे और वचन को हम सभी के पास और लोगों के पास महकाती रहे ताकि हर एक का हृदय जो है वो फूलों की तरह महकता रहे। ठीक है, अब माइक को हम सिस्टर को देते हैं। और सिस्टर डैंसी ने हमारे बीच में बताया कि हम एक भली स्त्री कैसे बन सकते हैं, बनेंगे और उन्होंने कहा कि हमारे जीवन से बहुत सारी भलाई दिखनी चाहिए, अब से दिखेगा। आमीन। चलिए इस बात को बताती है, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की और हर भली वस्तु को बनाया और साथ ही उसने मनुष्य को अर्थात आदम को और परमेश्वर ने उसके लिए एक सहयोगी हवा को भी बनाया। स्त्री के द्वारा ही पाप आया और उसी के द्वारा उद्धार करता भी। तो आइए हम देखें एक स्किट के माध्यम से कि एक स्त्री कैसे अपने परिवार को संभालती है। पेपर में ही लगे रहते हो, टेंशन क्यों लेती हो, सारा काम तो वो करना।
Hi everyone, and welcome to our masterclass on energy medicine. पहलू होते हैं तो आइए हम देखते हैं दूसरे पहलू को। पर कोई बात नहीं,
परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है और उसने मुझे इतने सुंदर परिवार को दिया है। अगर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? और बाइबल इस बात को बताती है नीति वचन 14:1 में कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक शायरी है, एक अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। खुदाए मोहब्बत खुदा हो जाता है, खुदाए मोहब्बत खुदा हो जाता है, जो यीशु मसीह से मिल जाता है पाप से जुदा हो जाता है। आइए इस समय हम हमारी ग्रेस जनरेशन टीम के द्वारा yeah।
सो कहता है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। दूसरा वचन है जॉन 1:1 और तीसरा है भजन संहिता 34:10। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, भजन संहिता 68:19, सेकेंड है जॉन 1:1 और थर्ड है सैम 34:10। सब लिख लिए? एक बार हमारे प्रोजेक्टर भी हर एक वचन प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, तीनों में से कोई एक ही बनाना है। 3 वचन आपके पास ऑप्शंस है, रूल आपको पता है, और 3 में से किसी एक वचन में बनाना है, और जो बना लेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लॉक शो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। एक दूसरे का हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अपने से बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सबको बुद्धि दिया है और हम लोग कर सकते हैं। जिसका भी हो जा रहा है, हमें 3 लोग चाहिए। जिसका भी हो जा रहा है आप आ सकते हैं, यहाँ पे ताली बजाइए, बहुत टैलेंटेड है हमारे बच्चे। एक और है, फिर से हम वचन दोहरा देते हैं, भजन संहिता 68:19, यूहन्ना 1:1 और भजन संहिता 34:10। और 2 लोग जल्दी, जो भी बना ले रहे हैं वो आ सकते हैं। और 2 मिनट है आपके पास। एक और यहाँ पे है, वो ताली बजा सकते हैं। एक लास्ट कौन होगा, वो ब्रेव इंसान जो आना चाहेगा। सिर्फ 1 मिनट है अब आपके पास। भजन संहिता 68:19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। भजन संहिता 34:10। जवान सिंहों को तो घंटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घंटी ना होगी। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु जो हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु वही हमारे प्रतिदिन का बोझ उठाता है। हालेलुया,
सचमुच प्रोडक्शन ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्टेड बनाया है, बहुत वैल्यूएबल बनाया है, और परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमेन। आप लोग सब खुश हैं? फिर से हम लोग की ओर से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग ऑफरिंग में जाए, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, बस हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? ओह प्रेज गॉड, हो सकते थे कोई हाथ नहीं उठाएगा। वचन कहता है कि यीशु मसीह मेरा पहला प्यार है, यीशु मसीह हमारा पहला प्यार है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज उस प्रेम को आप इजहार करना चाहते हैं? तो ठीक है, हम सभी एक साथ चिल्लाएंगे कि आप लोगों को वो गाना आता है, चिल्ला चिल्ला कर गाएंगे प्रभु की महिमा के। कैसे चिल्लाइएगा? बहुत कम, इतना धीरे, आधे लोग खाली चिल्लाएंगे, आधे लोग प्यार करते हैं क्या? Amen. Amen.
लॉर्ड कि प्रभु ये आपका अनुग्रह है पिता, कि प्रभु आज के दिन हम आपके भवन में पाए हैं पिता, और प्रभु हम जान ले पाए कि सचमुच प्रभु हम कितने आशीषित हैं पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु आपने हमें आशीष किया है। थैंक यू जीसस। अभी हम 2 मिनट के लिए हम अपने अगल बगल जो भी उनके हाथों को पकड़े, और इस वक्त बस कुछ देर, बस 1 मिनट, 1 सेकंड, हम उस समय को याद करें जब हम बहुत अकेले होते होंगे, जब हम असफल होते होंगे, जब हम बहुत कमजोर पाए जाते होंगे, जब बार बार हम गिरते हैं जिस स्थान पर, और हम उस जगह गए हैं से ज्यादा संख्या आइए, और अपने
परिवार में आशीष पाइए और दूसरों के परिवार में भी आशीष लाने का कोशिश कीजिए। इसलिए अपने अगल बगल से भी आप लोग बहनों को लेकर आइए जी। धन्यवाद। समाप्त होती है और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी रिफ्रेशमेंट को